आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की 110वीं जन्मतिथि है। दिनकर जो कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी में अग्निधर्मा होते हैं और उर्वशी में श्रृंगार के शब्द शिल्पी हो जाते हैं। दिनकर जो राज्यसभा में कांग्रेस की तरफ से जाते हैं और कमजोर नीतियों के कारण अपनी पार्टी के सर्वोच्च नेता को भरी संसद में खरी खरी सुना सकते हैं। राष्ट्रकवि दिनकर कुरुक्षेत्र भी है, दिनकर रश्मि रथी भी है, दिनकर उर्वशी भी है। दिनकर सामाजिक न्याय की गुहार करते हैं, दिनकर युद्ध के विरुद्ध है। युद्ध की ज्वर भीति से हो मुक्त, जबकि होगी सत्य ही वसुधा सुधा से युक्त। श्रेय होगा सुष्ठु विकसित मनुज का वो काल, जब नहीं होगी धरा नरके रोधिर से लाल। सामाजिक न्याय पर लिखने वालों के बारे में दिनकर कहते हैं कि मैं उनका प्रशंसक रहा हूं। शायद यही कारण रहा कि तथाकथित सूत पुत्र कर्ण का पुरुषार्थी वीर चरित्र उमड़ता है जब वो उच्च कुल की लानत मलामत करते हैं। कहता हूं मौसम फिरा सितारों होश करो, कतरा कर टेढ़ी चाल भला अब क्या चलना। माना दीपक हो बड़े दिव्य ऊंचे कुल के, लेकिन मस्ती में अकड़ अकड़ कर क्या जलना। दिनकर की रचना समर शेष है को शायद मौजूदा दौर में सबसे ज्यादा याद किया जाता रहा है, लेकिन मात्र एक वाक्य से आगे भी इस रचना में बहुत कुछ है जो दिनकर कहने की कोशिश करते हैं। समर शेष है अभी मनुज भक्षी हुंकार रहे हैं, गांधी कापी रोधिर जवाहर पर फुंकार रहे हैं। समर शेष है अहंकार इनका हरना बाकी है, वृक को दंतहीन अहि को निविश करना बाकी है। समर शेष है शपथ धर्म की लाना है वो काल, विचरें अभय देश में गांधी और जवाहर लाल।